हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है वो है यू वर्सेस देम। आपका और आपके पार्टनर का करंट एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को लेकर क्या मैसेजेस हैं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आपके माइंड में क्या है, उनके माइंड में क्या है, आपके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है। सो यू वर्सेस देम की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर मैं दो डेक यूज़ करूँगी। इस डेक से भी हम आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे और इस डेक से भी हम आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, यू वर्सेस देम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी लेफ्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यू वर्सेस देम की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी कलेक्टिवली क्या चल रही है। इफेक्ट ऑफ फुल मून। चलिए, ये दो एनर्जीज हो गई आपकी तरफ और आपके पर्सन की तरफ। इस डेक से भी ले लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ठीक, तो हम पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। सो यू वर्सेस देम की एनर्जी है गाइस। फर्स्ट कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ एस ऑफ वांड्स। सेकंड वी हैव नाइन ऑफ कप्स। थर्ड फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ फोर ऑफ कप्स। फिफ्थ द मून। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग की एनर्जी है। ओके, इसके लिए भी जगह बनाओ। नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स एंड द टावर। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। तो क्या चल रही है आपकी एनर्जीज, आपके माइंड में क्या है, आपके दिल दिमाग में क्या है, ये चीज़ें आप पहले मैं बताऊंगी ताकि आप जज कर सकें। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो फिर आप अपने पार्टनर की एनर्जी देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर साइन बता देती हूँ। आपकी साइन हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। और यहाँ पर एक एनर्जी है कैप्रिकॉर्न की। ठीक, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वर्गो टॉरस की एनर्जी यहाँ पर फिलहाल नहीं है व्यूवर्स के साइड में। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि काफ़ी व्यूवर्स, मतलब वन टू, ओके 20% जो व्यूवर्स हैं वो बैलेंस की एनर्जी में है। ओनली 20%। इस फुल मून ने अप्रॉक्सीमेटली 80% लोगों को ट्रिगर किया है। जो बैलेंस्ड में हैं वो बड़े खुश हैं, या तो उनके पार्टनर उनके साथ हैं या तो उनका रीयूनियन हो चुका है, भले बातचीत कम हो रही हो, डजेंट मैटर, बट आपके वो व्हाट्सएप या फेसबुक में हैं और आप उतने में सेटिस्फाइड हैं, कम से कम आपको उनकी जानकारी मिल रही है। तो आप में से कई लोग हैं जो बहुत खुश हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं, कई लोगों की बातचीत भी हो रही है, कई लोगों की कुछ इच्छाएँ भी पूरी हुई हैं, विशेज भी पूरी हुई हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन में हैं, अच्छे से बातचीत हो जाती है आप लोगों की दो चार दिन में, हफ्ते भर में। तो आप लोग 20% में आ रहे हैं और जो बैलेंस 80% लोग हैं उनको फुल मून ने ट्रिगर किया है। यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, नेगेटिविटी आई है। अगर आपके साथ रहे हैं आपके पर्सन तो उन्होंने आपको रिसेंटली ब्लॉक कर दिया है या आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से आपको बुरी तरह से रोना आ गया है, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। सेपरेशन के बराबर का दर्द उन्होंने आपको दिया है रिसेंटली, ट्रिगर मिला है किसी तरीके का। कुछ लोग इतना हर्ट हुए हैं कि उन्होंने ये तक डिसाइड कर लिया है कि छोड़ो, अब ये रिलेशन गया तेल लेने, मेरे को मतलब ही नहीं है। जैसे ये निकल के जाता है अब मैं भी निकल के चली जाऊँगी या चला जाऊँगा।
मतलब इस तरह तक इन्होंने आपको तकलीफ दे दी है, ट्रिगर मिला है, क्योंकि यहाँ टावर का भी कार्ड है। तो आप में से 80% लोग ऐसे हैं जिनको फुल मून ने इफ़ेक्ट किया है, या तो इमोशनल लेवल पे, या मेंटल लेवल पे, या टेलीपैथिकली, या ड्रीम्स में, बट किया है। 20% सुकून में है, फुल मून का कोई असर नहीं पड़ा है, 0% भी नहीं पड़ा असर। और यहाँ द मून की भी एनर्जी है, जो बैलेंस्ड हैं वो फुल मून पे अगर बैलेंस्ड है तो उनकी बैलेंस जो एनर्जी है वो 10 गुना हो जाएगी, ऑब्वियसली और ज़्यादा बैलेंस होंगे, और ज़्यादा अगर हैप्पी हैं तो और ज़्यादा हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे, अगर सैड हैं तो यहाँ और सैडनेस अट्रैक्ट किया है आप लोगों ने। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया है तो ये चीज़ें आपने गलत की हैं। साथ ही यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों के माइंड में उनको स्पाई करने का रहता है, अगर वो नहीं रहते हैं तो भी आप स्पाई करते हो, अगर वो आपके लाइफ में आ जाते हैं तो भी आप पहले से भी ज़्यादा स्पाई करते हो, कब कब आ रहे हैं, कब कब जा रहे हैं, कब का लास्ट सीन है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको फिर से लोअर वाइब्रेशन में लेकर आ जाती हैं। घूम घूम कर बार बार अपना व्हाट्सअप ओपन करना, या उनको ये दिखाना कि हाँ आप ऑनलाइन हो, या आप उनको जेलस करने की कोशिश करना, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा बचकाना बिहेवियर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को ये तक फील हो चुका है कि शायद उनके पर्सन उनकी प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देंगे, या उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या उनके शादी में प्रॉब्लम है, या उनके लव लाइफ में किसी तरह का प्रॉब्लम है, या आ सकता है, आप आ सकता है पे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत नेगेटिव हैं। जो जो कमियां मैंने यहाँ बताई हैं, अगर वो आप में से कई लोगों से रेजोनेट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि फुल मून या न्यू मून अभी भी आपको इफ़ेक्ट डाल रहा है, जो कि नहीं डालना चाहिए। आपको इतना बैलेंस बनना है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकें, कंट्रोल रख सकें, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स की है, इसमें दोनों कार्ड्स हैं ना, चलो मैं बाद में सेपरेट करूँगी। आते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी में। फर्स्ट कार्ड है द फूल, 7 of Pentacles, द हाई प्रीस्टेस, 3 of Pentacles, द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स। चलो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। आपकी तरफ जगलिंग आया था बॉटम में, इनकी तरफ जजमेंट आया है। अरे इसको ले ही लेती हुई, 2 बार गिर चुका, ठीक है। आपकी तरफ 5 कार्ड्स लिए थे इसलिए मैं उसको रख रही थी, बट इसको आना ही है। आपके पार्टनर की तरफ पहला कार्ड है यहाँ से द फूल, यहाँ से 10 of Cups, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Cups, 7 of Swords, डेथ एंड 5 of Pentacles। डेथ के बाद 5 of Pentacles, 10 of Swords, यहाँ पे सैडनेस की एनर्जी है। अगर आप फुल मून से इफ़ेक्ट हुए हैं तो आपके पर्सन भी फुल मून से इफ़ेक्टेड हुए हैं। दुखियारे वाले जो कार्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रोना धोना, परेशान होना, लॉसेस, मेंटल स्ट्रेस, वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं दोनों तरफ। ओके, तो आपके पर्सन की जो साइन है वो पाइशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और फुल मून जो है ये वाटर साइन में ही है, तो यहाँ पाइसिस की एनर्जी है, लिब्रा है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, ये तो मेजर अरकाना से क्लियर आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपके पार्टनर्स की तरफ सभी साइन आए हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कितने कार्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 50-60% लोग ऐसे हैं जिनके, मतलब आपके पर्सन में से 50-60% ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपको फुल मून पे बेतहाशा मिस किया है। मतलब जो कहते हैं ना कि दिमाग से जाने न वाली एनर्जी, 24/7 आप उनके दिमाग पे रहे हो, उनके दिल पर, दिमाग पर आप छाए रहे हो। जब भी वो अकेले रहे हैं, भीड़ में रहे हैं, वो हमेशा आपके बारे में सोचे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी में
किसी तरह का एंडिंग नज़र आ रहा है, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड इन हिज और हर लाइफ। कोई बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं या ले चुके हैं एंडिंग से रिलेटेड। कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे या बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, वो सिचुएशन इन्होंने ख़त्म करने का निर्णय लिया है। बड़ा जजमेंट है और यहाँ पर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पर। और कुछ लोगों की इमेज कॉन्शियस है, हिडन रखना है रिलेशनशिप, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, इस तरह के भी कुछ लोग हैं। पब्लिक इमेज हो सकते हैं या हो सकता है कि किसी अच्छी पोजीशन पे हो जहाँ पर ये अपने रेपुटेशन पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं देखना चाहते। साथ ही साथ फैमिली लाइफ इनकी बड़ी डिस्टर्ब है और फाइनेंशियल लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इस फुल मून का इफ़ेक्ट इनके ऊपर ये पड़ा है। साथ ही साथ आपको लेकर मिसिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन कंप्लीशन में आ चुके हैं, कुछ लोगों के आने वाले हैं। जिनके नहीं आए हैं उनके केयरफ्री होकर एक्शन लेंगे। जो आपकी तरफ 80% लोग हैं जो सैड हैं, हो सकता है आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हो, या उन्होंने अगर वो बैलेंस में है तो आपने उनको इम्बैलेंस किया हो, अपनी इम्बैलेंस एनर्जी से आपने इनको इम्बैलेंस किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ओवर एंड ऑल आपके पर्सन ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, अपने इंट्यूशंस के थ्रू गाइडेंस पा रहे हैं। कुछ बड़े डिसीजंस ये लेने वाले हैं, जो बड़े डिसीजंस ये लेने से आज तक भागते आए हैं उन डिसीजंस पर अब वर्कआउट होगा। तो ये एनर्जी निकल कर आई है दोनों तरफ से, यू वर्सेस देम की। सो देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन लेंगे। क्या कोई पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं? फुल मून इफेक्ट क्या लेकर आएगा? वाओ, सन का कार्ड आ गया विद मदर गाया की एनर्जी। इसके आगे कुछ लेना ही नहीं है मुझे। बॉटम से है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो ये तीनों कार्ड आ गए। यहाँ पर है नंबर 19, नंबर 21 एंड 99 पोर्टल की एनर्जी है। नंबर 9 एंड नंबर 9 एंड नंबर 9 एंड नंबर 9, माई गॉड, 5 times 9 आया है। ये है मेजर एनर्जी शिफ्ट। बॉटम ऑफ द डेक से इट्स 5 times 9, 9 of cups, हर्मिट, 9 of swords, 9 of wands एंड द मून। वी हैव टोटल 5 cards of 9 number। यहाँ पर मेजर एक्शन की एनर्जी है, छोटे मोटे एक्शन की एनर्जी नहीं है। सन रिप्रेजेंट एक्शन, यहाँ सन की एनर्जी है नंबर 19 और यहाँ पर है मदर गाया की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी। तो यहाँ पर मदर गाया अपने फुल ऑन एक्शन में है और ये जो 99 पोर्टल है आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालेगा आपको दिखेगा वो इफ़ेक्ट। सो आपके लिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 9 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।